एकदम चौड़े होकर अंदर आना, ये तो दिखता है ना अहंकार है, कोई आ गया है, आगे आगे आ गया है, आगे आके बैठ गया, कोई बड़ा आदमी को रोक नहीं सकता, मैं आगे जाके बैठूंगा, ये तो दिख रहा है उसका अहंकार। अब कोई बाहर जाके कहे नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे ही बैठूंगा क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना है, मैं खास, मुझे VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ये भी अहंकार का एक रूप है। शहर से बोलिए धन गुरु नानक, अब ये छिप कर आया है कि मुझे VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ये अब छिप के आया है। ये बड़ी बारीकी है इसमें, अपने भीतर जागना है, अपने भीतर विनम्रता से। विनम्रता क्या है? मन झुका हुआ हो, मन को विनम्रता क्या है, आगे एक पहलू है उसे सुन लीजिए। गौतम बुद्ध जी बैठे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, साथ में आनंद भी है उनका शिष्य। गौतम बुद्ध जी बैठे पेड़ के नीचे, एक गांव के बाहर आनंद बैठा है, एक उनका जो निंदक है वहां से गुजरा, गौतम बुद्ध को देख के हमेशा वो जलता है, चिढ़ता है उनसे, ऐसे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हर समय से होते आए हैं। गौतम बुद्ध जी के पास से गुजरा, गौतम बुद्ध समाधि में लीन है, उसने गौतम बुद्ध जी के मुंह पर थूक दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, थूक दिया। कि बहुत कहते हैं कि बड़े शांत हैं, आज देखता हूँ क्रोध आता है कि नहीं आता, ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। पर गौतम बुद्ध समाधि में लीन है, उनके पास जो शिष्य खड़ा है आनंद, उसने, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उठा लड़ने के लिए, पर गौतम बुद्ध जी समाधि में लीन भी सब जान रहे थे, इशारा किया नहीं, ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद रुक गया, वो आदमी निंदक 5 मिनट खड़े रह के चला गया, आनंद ने कपड़े से गौतम बुद्ध जी का मुंह पोंछा, पूछने के बाद कहने का आप क्यों और मेरी नहीं निभने वाली, मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौतम बुद्ध कहने के क्या हो गया, कहने का मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके मुंह पर कोई थूक कर चला जाए और आप फिर भी को कुछ नहीं कहना है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गालियां तो सुनते ही थे, कोई मुंह पर थूक जाए। गौतम बुद्ध जी कहने लगे छोड़ू तो मैं भी नहीं उसे, अगर उसने मुझ पर थूक फेंकी हो, ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। गौतम बुद्ध जी कहने लगे अगर उसने मुझ पर थूक फेंकी होती तो छोड़ता तो मैं भी नहीं, वहीं पर उसे पकड़ लेता, पर उसने थूक फेंकी नहीं, मेरे मुख पर पड़ी नहीं, ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद कहता है कमाल करते हो, मैंने अपने हाथों से कपड़े से आपके मुख से पहुंची है थूक, आप कहते हो फेंकी नहीं, कहने लगे तू समझा नहीं, उसने थूका मेरे शरीर पर, मेरा मन इतनी दूर जा चुका है शरीर से कि अब शरीर को कोई क्या कर रहा है, मेरे मन तक वो थूक नहीं पहुंची, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कौन सी अवस्था है? ये वो अवस्था है भाई सतीदास, भाई मतीदास, आरे से शरीर काटा जा रहा है, बाणी चल रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चीख नहीं रहे, शरीर और आत्मा में बहुत डिफरेंस हो चुका है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये अवस्था कैसे मिलती है? जब कोई अपने आप को समर्पित कर दे गुरु को, समर्पित मन मार दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जैसे गुरु तू कहे। जिस दिन हमने गुरु की बातें माननी शुरू कर दी, मन विनम्रता में आना शुरू हो जाएगा, अपने आप ये गुरु कृपा करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना और आती है, अकाली कौर सिंह हुए, बड़े प्यारे लेखक हुए हैं, अकाली कौर सिंह प्रचारक हुए हैं, अकाली कौर सिंह, उन्होंने अखबार में एक लेख लिखा, लेख लिखा जो प्रचलित हुआ, सब जगह गया, तो एक आदमी को वो लेख पसंद नहीं आया, बहुत नाराज हो गया, उसने एड्रेस ढूंढा कहाँ रहते हैं, वहां पे आ गया, पता चला किसी समागम में गए जहाँ संगत जुड़ी हुई है, वहां पहुंच गया, समागम चल रहा है, समागम के बीच में खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा ये लेख आपने लिखा है? लोगों ने रोका भी, समागम खत्म होने दिए, मर्यादा नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बैठ गया चुपचाप, समागम खत्म हुआ, बाहर आए लोग खड़े हैं बहुत सारे, फिर पूछा ये लेख आपने लिखा है? कहने लगा हाँ मैंने लिखा है। अकाली कौर सिंह कहने लगा मैंने लिखा है। तो जो उसने गालियां देनी शुरू की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गालियां देते जा रहा है, देते जा रहा है, भला बुरा कहते जा रहा है अकाली कौर सिंह, वो शांति से ऐसे खड़े हाथ जोड़कर, संगत भी खड़ी है, सेवादार पूछ रहे हैं, वो इशारा करें कुछ नहीं कहना, वो बोलते जा रहे हैं, जब बोल के थक गया, कहने लगे अगर आपका बोलना हो गया हो तो मैं जाऊं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
वो और परेशान हो गया, ये कैसे आदमी, इतना सुनाया मैंने, आगे से नाराज भी नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और क्रोध आ गया, कहने का कैसे आदमी हो आप, इतना मैंने सुनाया है आपको, इतना सुनाया है, आप आगे एक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। कहने लगे आपने जो कुछ भी बोला है मुझे सुनाई ही नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों नहीं सुनाई दिया? अहंकार के कान मर चुके, अहंकार के कान मर चुके, विनम्रता के कान है, उसमें आवाज जाती ही नहीं है ऐसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब अहंकार किसी का चेक करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है, चार गालियां निकालो, पता चल जाएगा आदमी कहाँ खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हम क्या किसी को चेक करें, ये वाणी कहती है आपने गिरवान में सिर नीवा कर देख, कि अपने गिरवान में झांक कहां खड़ा है, दूसरे के मत अवगुण फरोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन नहीं, गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं कि जब तक तू दूसरे के अवगुण देखता रहेगा, तेरी आदत है, तेरे अपने में अवगुण खत्म नहीं होंगे, उल्टा और आते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अहंकार गुरु नानक बचाए, आखिरी पंक्तियां देना बेटा।